हेलो, क्या हाल है? अभी देखना गाइस काटने आएगा। ये तो ऐसे ऐसे काटता है। ओ माय गॉड, चोट लग गया। फिलहाल गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:31 और हम अपने घर के पीछे कोली में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ओढ़ा गया था। इस समय आलू लग चुका है। आप लोगों से बताया था इसमें आलू लगेगा, और इसमें गाइस साग लगा है। आई थिंक इसमें धनिया है, और इधर गोभी है, इधर मिर्ची वगैरह है, और इधर दिखाते हैं गाइस। गाइस धान भी हो चुका है, और ये भी लमसम 2 दिन में 3 दिन में कट जाएगा। और यहाँ पे गाइस मैंने कोड़ा हुआ है अच्छे से, छोटा छोटा क्यारी मैंने बनाया है, और वहाँ पे गाइस लहसुन लगेगा। बाकी गाइस यही सीन है यहाँ का। देखिए गाइस एक निकल चुका है, बहुत परेशान करेगा गाइस, जल्दी पकड़ाता नहीं है ये। रुक जाओ लाली, रुक जाओ। पकड़ लिए गाइस। बहुत दुष्ट हो गए हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस बाइक के चैन का, जो भी किट किट का जो साउंड है, इसका सोल्यूशन के बारे में। आप देख सकते हैं जब गड्ढे में जाता है ना गाइस, ऐसा किट 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 की ऐसे मतलब आवाज आता है, ऐसे ऊपर चैन ऊपर होता है, ऊपर नीचे होता है, तो इसमें लगता है इस रबर में। तो इसका पहले मैं जाऊंगा शोरूम, देखूंगा इसका सोल्यूशन क्या बताते हैं लोग, और जो भी इसका सोल्यूशन है वो आप लोगों को हम बताएंगे। N160 का जो रबर है चैन के नीचे लगा हुआ, वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए बाइक के चैन से जहाँ भी गड्ढा आता है वहाँ खट खट की आवाज़ आता है। और गाइस जो NS और RS के चैन के नीचे जो रबर लगा रहता है वो नरम रहता है, तो इसलिए उससे आवाज़ नहीं आता है। और फिलहाल गाइस हम लोग जा रहे हैं घोली बाजार शोरूम पे, और वहाँ पे हम लोग पूछेंगे NS और RS का जो चैन के नीचे रबर लगा रहता है वो अवेलेबल है कि नहीं। और अभी गाइस हम पहुँच गए हैं बजाज शोरूम पे घोली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्डी लगी हुई है, और आगे अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे गाइस पल्सर के और पल्सर लगा हुआ है, इस साइड पल्टीना उल्टीना है क्या भाई, आपको मैकेनिक कैची है कोई जवाब? हाँ वो लगा है। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट बजाज शोरूम से बाहर निकले हैं, और भैया से हम लोग पूछे हैं कि चैन के नीचे जो रबर लगा जाता है वो अभी अवेलेबल है कि नहीं। तो भैया उसका नाम कैची बता रहे थे, और बोले अभी यहाँ पे है नहीं। गाइस हम लोग महाराजगंज से अपना बाइक परचेज किए थे, और वहाँ पे अवेलेबल है चैन के नीचे जो रबर लगा रहता है, और वहाँ से हम लोग लेकर आएंगे इसको लगा कर देखेंगे कि चैन से आवाज़ आता है कि नहीं। और गाइस अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। पैसा बर्बाद पहन चोद।